फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विड वेंचर्स। गाइस, हमने पिछले वीडियो में सीखा था कि कैसे फर्स्ट लेयर बनाएं, और अब हम इस वीडियो में सीखेंगे कैसे सेकंड लेयर बनाएं। अगर गाइस आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, शेयर करें, और अगर हम हमारे चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो गाइस स्टार्ट करते हैं कैसे बनाना है सेकंड लेयर। देखिए गाइस, हमने फर्स्ट लेयर तो अच्छे से समझा दिया आपको, अब हमें क्या करना है, सेकंड लेयर भी हमें उसी कलर की देखनी है जो फर्स्ट लेयर के अलाइनमेंट से हमने सेट की थी। ठीक है, तो हमें देखना है इसमें कौन से एजेस हमें भरने हैं। हमारी ये ऑरेंज वाला फुल कंप्लीटेड है ऑलरेडी, हमारा कंप्लीट कौन सा नहीं है, इनकम्प्लीट वाइट है, रेड है और येलो है। हमें इस एजेस को भरना है ताकि हमारी सेकंड लेयर पूरी कंप्लीट हो जाए। तो हम कैसे भरेंगे, हमें देखना है, हमें टी शेप बनानी है हमें ऐसे। ठीक है, और टी शेप कोई भी सेम रंग की होनी चाहिए, वाइट, ऑरेंज, येलो और रेड। मैं फिलहाल अभी आपको रेड दिखाता हूँ। टी शेप बन गई गाइस, इसको नोटिस मतलब इसको छोड़ दीजिए, ये फोर एजेस को छोड़ दीजिए। टी शेप देखिए, टी शेप बन रही है। बस अब टी शेप में आपको अपना ध्यान रखना है, टी शेप से ऊपर रेड, नीचे रेड है, ऊपर येलो है, तो येलो को कहाँ पे मैच करेगी, वाइट पे होगा नहीं मैच, मैच होगा खाली येलो पे, तो रेड रेड के साथ, येलो येलो के साथ। तो गाइस ध्यान से देखिए, अगर ये एज वाला ये पीस मैं उसको उठा के ऐसे रख देता हूँ तो आपका रेड का भी जुड़ गया और येलो का भी जुड़ गया। तो हम यही करने जा रहे हैं, अब देखिए गाइस। देखिए गाइस, कर दिया मैंने, ये वाला पीस उठा के यहाँ रख दिया, उठा के नहीं रखा मैंने, इसको सॉल्व किया है, थोड़ा फर्दर सॉल्व किया है, ये पीस यहाँ पे आ गया, रेड के साथ रेड आ गया और येलो के साथ येलो आ गया। अब हमारी रिमेनिंग कलर कौन सा है, वाइट। गाइस अगर आप थोड़ा ध्यान रखें तो उसमें आपको सारे कलर अरेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, खाली आपको दो कलर भी आप अरेंज करेंगे पूरे लेयर के साथ, वो ऑटोमेटिकली आपके जुड़ जाएंगे थर्ड और फोर्थ लेयर के साथ। अब हमारा वाइट बचा है, तो वाइट गाइस का कोई है कलर, हाँ मिल गया, टी शेप बन गई, कहा था ना आपको टी शेप बनानी है, हमें टी शेप बन रही है। टी शेप में हमें बस एक चीज़ चेक करनी है, ऊपर कौन सा कलर है, अगर ऊपर ऑरेंज है तो ऑरेंज को राइट साइड रख दो, अगर रेड है तो इसको राइट रेड के साथ, क्योंकि रेड के साथ रेड आएगा ना गाइस, मैचिंग तो करनी है तभी तो लेयर बनेगी आपकी। तो हम स्टार्ट करते हैं गाइस, देखिए ये वाला उठा के मैं रख दिया, सॉल्व करा मैंने इसको, और ये रेड के साथ रेड जुड़ गया, वाइट के साथ वाइट जुड़ गया, तो आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। बस एक एज बचा है जो हमें ये चेंज करना है, ग्रीन आया है, देखिए गाइस वाइट चाहिए हमें इस तरफ, तो वाइट कैसे आएगा, हमें ऑरेंज से देखना पड़ेगा, ऑरेंज के साथ जो वाइट जुड़ा हो और ऑरेंज भी हो उसमें। देखिए गाइस, ये ऑरेंज भी है वाइट भी है, अगर मान लीजिए इसको उठा के मैं यहाँ रख दूँ तो आपका काम हो गया, बन गई सेकंड लेयर आपकी। मैं बस अब यही करूँगा, देखिए टी शेप के साथ है, देखिए देखिए गाइस फुल रेडी सेकंड लेयर, पूरा देख सकते हैं और फुल रेडी है, अच्छा आपको मैं सिखाया गाइस। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस।